नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान, बोले गुजरात में आपकी सरकार बनती है तो हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली। गुजरात चुनाव को लेकर राजनाथ सिंह का दावा, गुजरात में दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ जीतेगी बीजेपी। पंजाब के सीएम आवास के पास मजदूर संघों का प्रदर्शन, संगरूर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। बातचीत से सुलझाया जा सकता है मुद्दा, पुलिस को नागरिकों पर नहीं करना चाहिए हथियार का इस्तेमाल, बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने डीएमके नेता ए राजा को भेजा समन, 10 जनवरी को पेश होने का दिया आदेश। अभी भी समझ जाओ गुजरातियों, जडेजा ने जारी किया बाल ठाकरे का वीडियो, पीएम मोदी का भी जिक्र। प्रौद्योगिकी का जनक बन रहा है देश, अश्वनी वैष्णव बोले 8 साल में भारत ने तय की विकास यात्रा। बिहार में मद्य निषेध विभाग की हाजत में हो गई शराब पार्टी, होमगार्ड के जवान समेत 7 गिरफ्तार। बिहार में 3 माह में 9 सीओ किए गए सस्पेंड, 12 पर हुई कार्रवाई, बोले आलोक मेहता शिकायत पर हो रहा है एक्शन। बिहार निकाय चुनाव पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, भाजपाई साजिश हुई नाकाम, तारीख का ऐलान, सरकार की कामयाबी। गुजरात में पहले फेज की 89 सीटों पर वोटिंग शुरू, कांग्रेस विधायक सिलेंडर लेकर वोट डालने निकले, नवसारी में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला। दिल्ली से तेलंगाना पहुंची घोटाले की आंच, ईडी की रिमांड रिपोर्ट में केसीआर की बेटी कविता का नाम आया सामने। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई 2 याचिकाएं, गैंग रेप के 11 दोषियों को दोबारा जेल भेजने की मांग, इनकी 15 अगस्त को हुई थी रिहाई। सीमा पार से आ रही ड्रोन की बड़ी चुनौती, बीएसएफ डीजी बोले और बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक का हो रहा इस्तेमाल। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत, 14 दिसंबर तक बढ़ी शिक्षक भर्ती के घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। योगी को अपशब्द कहने वाले पर एफआईआर, लिस ने गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पुलिस में संपर्क किया। जहां डलता है कूड़ा वहां बनेंगे सेल्फी पॉइंट, 75 जिले 75 घंटे और 750 निकाय, सहारनपुर में 15 कूड़ा घर बनाने पर बनाए जाएंगे ऐसे पॉइंट। युवक पर रेप और धर्म परिवर्तन का आरोप झूठा निकला, मुजफ्फरनगर जिले में 14 माह बाद युवक की रिहाई, युवती पर चलेगा केस। हरदोई में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म, घर के बाहर खेले थी बच्ची, ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। अमरोहा में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत, बाइक के पेड़ से टकराने से हुआ हादसा, बिजनौर के रहने वाले थे तीनों।
मुरादाबाद में गत्ता गोदाम में लगी भीषण आग, जेसीबी से दीवार तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन, गोदाम में फंसा एक आदमी झुलसा। बलिया जेल में बंदी से मिली प्रेमिका, दोनों ने खाया जहर, वाराणसी जाते समय युवती की मौत, परिजनों से पूछताछ में जुटी पुलिस। योगी से मठ से नहीं मिली सैनिकों ज्वाइन, वजह 8 महीने पहले कहा था योगी को वापस मठ भेज दूंगा। बात ये से गला रेत कर की थी प्रेमिका की हत्या, रायबरेली पुलिस ने किया खुलासा, 2 दिन पहले मिला था शव, आरोपी प्रेमिका के पति का था दोस्त। शाइन सिटी घोटाले को लेकर नए खुलासे, 68,000 करोड़ घोटाले में चौकी इंचार्ज से लेकर कई बड़े अफसरों तक पहुंचता था हिस्सा। दो मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनी, मंदिर में लिए 7 फेरे, बोली वहां सम्मान नहीं, 3 बार तलाक बोलकर हलाला करते हैं। बिजनौर में बढ़ापुर वन रेंज में हाथियों के बीच संघर्ष, एक हाथी की मौत, आज होगा पोस्टमार्टम, मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम। गाजियाबाद में लिफ्ट में 24 मिनट फंसी रही 3 बच्चियां, 20वें फ्लोर से आकर 11वें फ्लोर पर अटके लिफ्ट, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सचिव पर FIR। जौनपुर में हादसा बेकाबू, रोडवेज बस की चपेट में 3 लोग आए, 1 की मौत, 2 घायल, सीएम ने जताया दुख। ड्राइवर ने खुद चोरी कराया ट्रक, फिर बेची खाद, बन्ना देवी थाना क्षेत्र के से 23 नवंबर को चोरी हुआ था ट्रक, 8 लाख की खाद 3.5 लाख में बेची। किशोर की जान लेने वाली बाघिन को जंगल में छोड़ा, दक्षिण सुनारीपुर रेंज में पहुंची बाघिन, वन विभाग की टीम ने 3 घंटे में पकड़ा था। प्रतापगढ़ में चौकीदार की गोली मारकर हत्या, प्लांट की रखवाली करने के लिए गया था, सुबह खून से लथपथ मिला शव। आदिपुर नगर पंचायत के चेयरमैन ने लगा बीजेपी का झंडा, भ्रष्टाचार का एक गंभीर आरोप, निर्दलीय लड़कर भाजपा उम्मीदवार को हराया था। पीलीभीत में सामूहिक आत्महत्या में सुसाइड नोट आया सामने, लिखा आत्मसत्य वचन बदला पूरा हुआ, बेटा बोला बहन पर आता था ताई का साया। रामपथ के नए घाट पर जमकर गरजा बुलडोजर, रास्ते के दोनों ओर बैरियर लगाकर घंटों चली कार्यवाही, सामान लेकर भागते रहे व्यापारी। पीलीभीत में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर से भागा नाबालिग, चोरी के मामले में पुलिस किशोर न्यायालय बोर्ड से ले गई थी, घर से पकड़ा गया था। वाराणसी में 75 घंटे का महास्वच्छता अभियान, शहर को किया जा रहा है गार्बेज फ्री, कूड़े की ढेर से जगह दिखेंगे सेल्फी पॉइंट। सोनभद्र में डीजल की तस्करी में ट्रक चालक गिरफ्तार, 3 पर FIR दर्ज, 222.50 लीटर डीजल की बरामदी की गई। चंदौली के सकलडीहा में 4 प्रभारी बदले, फिर भी अपराधियों का पता नहीं लगा सके, दहशत में व्यापारी का परिवार। बिजनौर में पंचायत सचिव का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 700 के लिए सचिव ऊपर तक जाता है पैसा। अम्बेडकर नगर में पुलिस के 3rd डिग्री से 20 वर्षीय युवक की मौत, पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटने का आरोप।
लखनऊ में नहीं थम रहा डेंगू का डंक, लगातार मिल रहे डेंगू के मरीज, शहर में 37 नए डेंगू के मरीज। अलीगढ़ में बहुचर्चित संदीप हत्याकांड के आरोपी के साथ अन्य बंदी ने फेसबुक पर फोटो वायरल, मचा हड़कंप। औरैया में शातिर बदमाश और पुलिस में मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने लिया चार्ज, रात 2 बजे लखनऊ से गाजियाबाद पहुंचे, फिलहाल एसएसपी ऑफिस में बैठेंगे। उत्तराखंड में खत्म हुआ लंबा इंतजार, देहरादून और पंतनगर से शुरू होगी पिथौरागढ़ हवाई सेवा। अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित, 2 दिन में 13 घंटे 47 मिनट चला सदन, पेश हुए 6 विधायक। उत्तराखंड में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की घोषणा, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा अगला सत्र। उत्तराखंड में 2 ऐतिहासिक विधेयक विधानसभा में पास, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण और मनतांत्रण पर रोक बना कानून। उत्तराखंड के मंडलायुक्त सुशील कुमार ने कहा क्रश बैरियर और संकेतकों पर दिया जा रहा है जोर। उत्तराखंड में कल बंद होंगे गंगोत्री नेशनल पार्क और गगनतली के गेट, पर्यटकों को करना होगा अगले साल का वेट। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बिजली का कनेक्शन काटने पहुंची टीम, जांच के दौरान मकान मालिक की हुई मौत, लोगों ने घेरी कोतवाली। उत्तराखंड के वंतरा मामले में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर गलत बयानों का आरोप, पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह, 1320 छात्रों को दी जाएगी डिग्री। दस मिनट में काम पर लौटो नहीं तो होगी कार्रवाई, हल्द्वानी में सफाई कर्मियों की हड़ताल पर बोला हाईकोर्ट। उत्तराखंड में रानीखेत में गुलदार ने बुजुर्ग पर किया हमला, 18 घंटे बाद मिला छत विक्षत शव, आधा हिस्सा गायब। उत्तराखंड में चाय व दूध के विवाद में मजदूर की हत्या, साथी शव ले जा रहे थे बरेली, पिता वापस लेकर आया द्वारा घाट। नैनीताल में नशे की रोकथाम को लेकर चलेगा अभियान, एसएसपी ने बनाई टीम, एसजीओ भी शामिल। उत्तराखंड के देहरादून में गुच्चू पानी में रिक्शा चालक की हत्या में सुपारी किलर गिरफ्तार, पत्नी से पूछताछ से खुलेगा राज। जान पर बनाई तो भालू से भिड़ा 70 साल का बुजुर्ग, धारदार हत्यारे से किया वार, अस्पताल में भर्ती। भारत यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज पर चीन को आपत्ति, बोला ये भारत चीन एग्रीमेंट के खिलाफ, इससे हमारे रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। अमेरिका के अस्पतालों में तेजी से बढ़ रही आरएसवी संक्रमित मरीजों की संख्या, हेल्थ वर्कर्स की कमी ने बढ़ाई चिंता।
चीनी शहर ग्वांगशू में विरोध के बाद कोविड प्रतिबंधों को दी गई ढील, बैकफुट पर दिख रहे थे शी जिनपिंग। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कोरोना से हुए संक्रमित, ट्वीट कर कहा बूस्टर की जल्द दिखा हल्के लक्षण। रूस से युद्ध रोकने के एलन मस्क के प्रस्ताव पर भड़के जेलेंस्की, बोले यूक्रेन आओ फिर बताना कि युद्ध कैसे खत्म किया जाए। दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार, B-21 रेडार बॉम्बर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम, 2 दिसंबर को यूएस एयरफोर्स को सौंपा जाएगा। आईएसआई का सरगना अबू हसन मारा गया, 9 महीने पहले बना था संगठन का लीडर, आईएसआई ने नए चीफ का ऐलान किया। चीन के जीबूती प्लान से भारत को खतरा, पहले विदेशी मिलिट्री बेस पर तैनात करेगा वॉरशिप, सबमरीन, अमेरिकन रिपोर्ट में इसकी पुष्टि। इमरान खान फौज पर तंज, नए आर्मी चीफ को बधाई दी, कहा ये मत भूलिए कि आवाम मालिक और आप सेवक हैं। रूस में मिला 48.5 हजार साल पुरानी जॉम्बीवी वायरस, बर्फ के नीचे अभी भी जिंदा है कोरोना जैसा जानलेवा हो सकता है। विवाद के बीच एलन मस्क और टीम कुक मिले, एलन ने एप्पल हेडक्वार्टर का वीडियो शेयर किया, बोले गलतफहमी का समाधान हो गया है। दूसरी तिमाही में धीमी हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार, जुलाई सितंबर तिमाही में 6.3% रही जीडीपी, पहली तिमाही में 13.5% रही थी। चीनी अरबपति जैक मा हत्या के डर से जापान भागे, कोई पहचान न पाई इसलिए पेंटिंग करते हैं। स्टार्टअप में निवेश दोगुना बढ़कर 6.4 अरब डॉलर। फर्स्ट के बेड़े में शामिल हुआ अगली पीढ़ी का A320NU विमान, यात्रियों को मिलेगी ज्यादा सुविधाएं। आईपीओ बढ़कर 58% हुआ। समझौता की तारीख तय की गई, 29 दिसंबर को लागू होगा भारत और पेटीएम के विजय शेखर का बड़ा बयान, कहा $8 की बजाय $80 का भुगतान करने को तैयार है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने दिए संकेत, दिसंबर से ब्याज दरों में धीमी हो सकती है बढ़ोतरी। कोहली के छक्कों पर बोले रऊफ, कहा कार्तिक या पांड्या मारते थे तब मुझे होता था दुख, उनमें डिफरेंट क्लास। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के टॉप 16 में मेसी की अर्जेंटीना पोलैंड हारकर भी नॉकआउट के लिए क्वालिफाई। फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार महिला रेफरी, जर्मनी और कोस्टारिका मैच की जिम्मेदारी संभालेंगे स्टेफनी फ्रफापेट।
खराब फॉर्म पर ऋषभ पंत का बैन, बोली भारतीय विकेटकीपर ने किया था दुश्मलव। अर्जेंटीना की सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच खेलने वाली प्लेयर बनी मेसी, बोले माराडोना आज बहुत खुश होंगे। देश पर भारी टी20 लीग, दुनिया के आधे क्रिकेटर लीग खेलने के लिए नेशनल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने को तैयार। हार का जश्न मना रहे ईरानी को गोली मारी, दावा सुरक्षा बलों ने माथे पर शूट किया, अमेरिका ने 1-0 से हराया था। ऑस्ट्रेलिया प्री क्वार्टर फाइनल में करो या मरो मैच में डेनमार्क को हराया, मैथ्यू लेकी ने दागा डिसाइडर। ट्यूनिशिया से हारा डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस से जीतने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हुई टीम, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया क्वालिफाई। शरद कमल को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किए गए शरद कमल। सैम बहादुर की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, विक्की ने टीजर का वीडियो शेयर कर दी जानकारी। वुमेन ओरिएंटेड फिल्म करना पसंद करती है रवीना टंडन। फ्रेडी में निगेटिव रोल वाला शेड करेंगे कार्तिक आर्यन। सेट पर ब्लैक लुंगी में दिखे सलमान खान, नया अवतार देख फैंस बोले किसी भाई किसी का जान का लुक है क्या ये। जनवरी में शादी नहीं करेंगे सिद्धार्थ और कियारा, करीबी दोस्त ने किया खुलासा। उर्वशी के नए गाने ने हासिल किया करोड़ों व्यूज, उर्वशी ने शेयर किया बीटीएस वीडियो। लाइगर की फंडिंग पर विजय देवरकोंडा सीडी की पूछताछ, बोले शेयर सोरत के साइड इफेक्ट, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। फिल्मों के फ्लॉप होने से नवाजुद्दीन को नहीं पड़ता फर्क, बोले पिक्चर चले ना चले लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो चलेगा। पति नताशा से डांस सीखते नजर आए हार्दिक पांड्या, वीडियो देख फैंस बोले सर आप ये गलत लाइन में आ गए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाने पर, थिरके आमिर बेटे आजाद के साथ किया डांस, विजय वर्मा ने शेयर किया क्यूट वीडियो। फिलहाल शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।